आज हम कान्हा जी के लिए इस रुमाल से एक ड्रेस बनाएंगे हल्की सर्दी के लिए। देखो ये फर वाला रुमाल है जो बिल्कुल सॉफ्ट रुमाल आता है, उसी से हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं हल्की सर्दी के लिए। और चाहे तो आप इसे नाइट सूट भी कह सकते हैं, तो नाइट सूट की तरह भी आप पहना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये रुमाल सीधा इधर है और ये उल्टा इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे इसको ऐसे बिछाएंगे, ठीक है। उल्टा नीचे हो गया है, सीधा ऊपर। अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे बिल्कुल इस तरह, ये आप देख सकते हैं सेंटर हो गया ये। इस तरह मोड़ के इसको अब हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह यहाँ से पकड़ के इस तरह खींचेंगे, ये इस तरह। तो हमारा ये यहाँ से कैप की तरह उठ जाएगा कान्हा जी की। तो इस तरह हमें थोड़ा सा खींचना है ये, ठीक है। ये इतना कि आपके कान्हा जी के सर पर आ जाए। ये इंची टेप से आप देख सकते हैं कितना है, मैं बताती हूँ आपको अभी। इंची टेप से है ये 2 इंच के आस, 2 इंच आप इसको खींच ले बस, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से ऐसे ऐसे रख दें इसको। अब आपको करना क्या है, यहाँ से बिल्कुल कोने से ले कर यहाँ तक आपको लगाना है निशान, साढ़े तीन इंच बहुत होता है, लेकिन हम इसको आधा इंच मोड़ेंगे तो 4 पे मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी हम 4 पे ही लगा लेंगे निशान, इससे भी इधर से भी 4 पे निशान लगा लेंगे। तो देखो ये हमारा यहाँ भी, आप इसे ऐसे इसके नीचे दाब दें, इसे उठा रहने दें। तो इसे आप इस तरह दिख रहा है आपको, ये इस तरह थोड़ा सा निशान लगा के इसे आप कट कर लेंगे। ये हमारा देखो इस तरह कट के तैयार हुआ है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह हमारा ये कट के तैयार हो गया है। अब हम इधर तो ये किनारी लगी हुई है, तो इधर किनारी के लिए हम इसमें क्या, ये देखो जो ये मैंने काटा था इसमें मैंने उल्टा करके थोड़ी सी सिलाई लगा ली है। और इस तरफ अलग कलर का धागा लग गया है, लेकिन इस तरफ धागा सही है, नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, वापस से मोड़ेंगे इस तरह ही जैसे हमने पहले ही मोड़ रखा था। बिल्कुल इस तरह, और हम इस पे निशान लगाएंगे बाजू का। ये हमें ऐसे 1.25 इंच का निशान लगाना है हमें इस पे, 1.25 इंच का। तो यहाँ से ये 1.5 तो यहाँ हो गया और ये 1.25 यहाँ पे। तो हम इस पर थोड़ा सा 1.25 इंच का निशान लगा देंगे। और इसी निशान को हम थोड़ा सा ऐसे वी बनाते हुए लगा देंगे, ऐसे ही हम इधर लगाएंगे, 1.25 इंच पे लगाएंगे निशान। इससे भी हम थोड़ा सा, तो हमें ये ऐसे ही इसमें सिलाई लगानी है वी। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ तक आए हम और यहीं से इस वी वाले निशान पे जो हमने वी बनाया थोड़ा सा वापस आ गए, डबल कर देंगे सिलाई को ताकि निकले ना। ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे।
हमारी ये हो गया। अब हम इसे कट करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया इसे हम यहाँ से ऐसे हल्का सा कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू कट जाएंगी इसमें से। हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह की बनके तैयार हुई है ड्रेस। आप देख सकते हैं ये बाजू है और ये हमारे कान्हा जी की कैप की तरह आ जाएगा। और ये यहाँ पे हम दो टिच बटन लगा देंगे, जो चटकनी कहते हैं ना, एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ ऐसे टिच करने के लिए। और जो ये कैप है तो इसे भी आप ऐसे जैसे डोरी डालते हैं ना, बच्चों की कैप में डोरी डालते हैं, तो इसे आप यहाँ से शुरू करके थोड़ा सा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बड़े बड़े से टक्के लगा के हल्का सा खींच दे इस तरह, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि ये थोड़ा पीछे को रहे। और यहाँ पे इसमें नोट लगा दें। तो अभी मैं आपको भगवान जी को इसे पहना के दिखाती हूँ। आज मैंने भगवान जी भी थोड़े डिस्टर्ब कर दिए हैं, बस ये मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, कान्हा जी को पहना के दिखा दूँ आपको। तो इस तरह आप इधर से एक हाथ में पहना दीजिए इन्हें, फिर ऐसे घुमा के ले आइए आराम से। और ये आराम से दूसरी बाजू पर ना दिए हमने। और ये हम इसे इस तरह इनके सर पर उड़ा देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लगा देंगे चिटकनी। तो ये कान्हा जी की ड्रेस हो जाएगी, देख सकते हैं आप। कान्हा जी के लिए पजामा भी बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे 4.5 इंच कपड़ा और 4 इंच हम ऐसे ले लेंगे। तो ये अभी से मैं ऐसे मोड़ दूंगी। इसमें हमें नेफे की तरह मोड़ना है, जैसे नेफा मोड़ते हैं। अब हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे। मैंने इसमें लास्टिक डाल दिए, थोड़ा खींच के इसमें गिरे लगा दूंगी। इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब ये इसके बिल्कुल ऐसे अपोजिट साइड, मतलब जैसे ये है, इसके अपोजिट साइड यहाँ हल्का सा कट लगा लेंगे ये, और इसको यहाँ पे ला के इस तरह इस पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे तिरछी। यहाँ से अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे तिरछी करके इसको हम ले आएंगे। एक और लगा देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे बीच में से। इस तरह सीधा कर लेंगे।
ये बन गया भगवान जी का छोटा सा पजामा। देखो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ पजामा भी। ऐसा इस पैर में पहना दिया, पहले प्रॉपर इसमें पहना दिया, अब ये यहाँ से निप्पा पकड़ के इस वाले पैर में पहना दिया। देखो प्रॉपर आ गया पजामा भी, देख सकते हैं आप। देखो और ऊपर को कर दें आप अगर आपको ये लग रहा है तो। ये पजामा भी बिल्कुल अच्छे से पहन लिया कान्हा जी ने। देखो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और ये अब ऊपर वाला भी पहना देते हैं, पूरी ड्रेस हो जाएगी प्रभु की। आज तो मैंने ना भगवान जी को भी दोपहरी में डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे एक टिच बटन लगा दूंगी अभी। कर लीजिए कान्हा जी की ड्रेस एकदम प्रॉपर तैयार है, नाइट सूट। तो आप भी बना सकती हैं इस तरह की ड्रेस एक रुमाल से। ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है, बस स्टिच बटन लगाना रह गया है। ये मैं लगा देती हूँ फिर कंप्लीट करती हूँ। और बिल्कुल इजी मेथड है, 10 रुपये के रुमाल से। और अगर बहुत अच्छा रुमाल लेना है तो ज़्यादा ज़्यादा 20 या 25 रुपये का आ जाएगा। और ये स्टिच बटन तो आप 5 पैसे का 10 पैसे का लगा लो, क्योंकि 8 रुपये का पत्ता आता है उसमें 20 या 25 आते हैं, तो खर्चा तो बिल्कुल नहीं है। सबके घर में रील भी होंगी, कितनी आसानी से बना सकते हैं। मेथड आपने देख ही लिया है। और देखो ये टिच बटन लग के तैयार हो गया। और अगर आपको ड्रेस बनाने का तरीका पसंद आया तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाएं। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी इजी मेथड बताऊंगी ड्रेस बनाने का रुमाल से ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।